बात करेंगे दुर्ग की, जहां पर आर्म रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कजाकिस्तान में संपन्न हुई। वहां जाकर भिलाई की दिव्यांग कैटेगरी से हर्ष खुदिया ने रजत पदक हासिल किया है, जिसका दुर्ग पहुंचने के बाद गाजेबाजे के साथ में भव्य स्वागत किया। जहां रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में गुजराती समाज और शहर की जनता पहुंची थी, वहीं माता पिता के को बेटे पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। जहां गौरव के माता पिता ने लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका सहयोग किया और यहां के समाज के लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। तभी उनका बेटा इस बड़ी उपलब्धि तक पहुंच सका है और यह मेडल हासिल किया है। अगली बार उनकी कोशिश रहेगी कि वो गोल्ड मेडल भी हासिल कर सके। बता दें कि आर्म रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंचने वाले हर्ष खोजियार दिव्यांग कैटेगरी में पहले व्यक्ति हैं जो कि इस स्पर्धा तक पहुंचे। बहुत अच्छा मोमेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप गया था और मैं 2 साल से खेल रहा हूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है कि मैं अनफॉर्चुनेटली मैं गोल्ड नहीं जला पाया, बिकॉज जॉर्जिया से मेरा फाइनल था वो बहुत स्ट्रांग था मेरे अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट ईयर मैं और प्रैक्टिस करके जाऊँगा। आई होप फॉर द गोल्ड नेक्स्ट ईयर। हम तो एक साधारण परिवार से हैं, इसमें सकल गुजराती समाज का विशेष सहयोग है। मेरे पास शब्द नहीं है आपको बोलने के लिए, जो इन्होंने किया हम अजीबन आभारी। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हम लोग को जीत के आया उसके लिए। अब बचपन से उसको बहुत शौक था कि मैं कुछ खेलूंगा, पहले क्रिकेट खेलता था, अभी आर्म रेसलिंग खेल रहा है।